है हाथरस में गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहडोल में एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर महिला की 5 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी देकर पहले होटल के मैनेजर ने उसके साथ दुराचार किया, फिर महिला को अपने दोस्त के हवाले कर दिया जिसे दोस्त ने 11 दिन तक बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों दुराचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी जिले की रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला 24 सितंबर को अपनी 5 वर्षीय बेटी को लेकर सीधी जिले से अनूपपुर जिला अपने ससुराल बस में सवार होकर जा रही थी। सीधी से अनूपपुर के लिए सीधे बस सुविधा नहीं होने पर शहडोल बस स्टैंड में उतरकर अनूपपुर की बस का इंतजार कर रही थी। रात अधिक होने पर बस स्टैंड के समीप होटल नालंदा में रात गुजारने के लिए ठहरी थी। महिला को अकेली देखकर होटल के मैनेजर अजय उपाध्याय की नीयत डोल गई और वो देर रात महिला के कमरे में जा घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। इस बात का विरोध कर रही महिला को मैनेजर ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया, जिसके बाद मैनेजर अजय ने महिला को 26 सितंबर को शिवम कॉलोनी निवासी अपने दोस्त दीपक श्रीवास्तव के हवाले कर दिया, जिसने एक कमरे में मां बेटी को बंधक बनाकर महिला के साथ 11 दिनों तक दुराचार किया। किसी तरह महिला उसके चंगुल से भाग निकली और कोतवाली पहुंच मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने मामला कायम कर दोनों दुराचारी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये है कि एक महिला है, उसने शिकायत करी है थाने पर कि नालंदा होटल से कोई अचय उपाध्याय जी और उनके मित्र दीपक श्रीवास्तव ने इस महिला के साथ में नालंदा होटल में बारी बारी से उनके साथ गलत काम किया है। इस पर से थाना कोतवाली में 728/20 धारा 376D 506 344 347 IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें इस महिला ने बताया है कि इस होटल में इन लोगों ने काफ़ी समय से मतलब कई बार उसके साथ इस प्रकार की हरकत की है। तो इस रिपोर्ट पर से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अजय उपाध्याय निवासी हैं, ये नालंदा होटल में ही काम करते हैं और दूसरे इनके जो मित्र हैं दीपक श्रीवास्तव, ये इस महिला को कहीं इनके कहने पर छोड़ने ले गए थे और किसी एक कॉलोनी में ले जाकर इनके साथ में ये सब हरकतें हुई है। इस महिला की रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है थाना कोतवाली में और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।